हेलो एवरीवन आ जाओ आज मैं आपको तैयारी कैसे करते हैं एसएससी में इंग्लिश की उसके बारे में बताती हूँ बेटा इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपको अच्छे से पता है जहां की बाकी सब्जेक्ट्स थर्टी तक ही है इंग्लिश में फोर्टी फाइव क्वेश्चन होते हैं सीजीएल में तो आप कहोगे मैम सिर्फ एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए क्यों बता रहे हो आप सी एच एस एल एम टी एस जी डी वगैरह की तैयारी के लिए क्यों नहीं बताते हो बेटा अगर आप सीजीएल की तैयारी कर लो तो आपका एम टी एस सी एच एस एल जी डी एम सब हो जाएगा इन फैक्ट आप देखोगे तो आपका सी भी हो जाएगा एनडीए की तैयारी भी हो जाएगी आप TGT, PGT और के लिए तैयार हो जाओगे तो इसीलिए एक कोर्स से आप सब कुछ कर सकते हो तो वो कैसी तैयारी है और कैसे करना चाहिए अगर आप ये जानना चाहते हो तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए आपका नेक्स्ट टेन मिनट्स आइए सबसे पहले हम प्री की बात करें यानी टी और वन की बात करें टीयर वन में इंग्लिश के पच्चीस क्वेश्चन आते हैं और आपको पता है कि पच्चीस क्वेश्चन पचास मार्क्स के होते हैं इसमें आपको इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स एंड जनरल स्टडीज चारों सब्जेक्ट्स आते हैं और ये चारों पच्चीस पच्चीस क्वेश्चन होते हैं यानी आपको सौ क्वेश्चन पूरे साठ मिनट मिलेंगे ये पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा इसके बाद ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्यूरेसी भी मायने रखता है क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग भी होता है पॉइंट अगर आप ट्योर टू में जाओगे यानी टीयर वन क्वालिफाई करने के बाद तो टीयर टू में आपके 45 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन तीन मार्क्स के होते हैं यानी टोटल मार्क्स होंगे 135 और इसमें आपको याद रखिएगा 60 मिनट्स जो मिलते हैं वो जीके और इंग्लिश के सेक्शन को मिलते हैं इसमें जीके जो क्वेश्चन होते हैं वो पच्चीस क्वेश्चन होते हैं और ये कंप्लीट आपको एक क्वेश्चन तीन मार्क्स के होंगे लेकिन अगर आप गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी यानी एक मार्क आप लूज कर जाओगे तो ये आपका इंग्लिश का प्री और मेन्स का स्कीम ऑफ एग्जाम है कि किस तरह के क्वेश्चन होंगे और कितने कितने मार्क्स के होंगे कितना नेगेटिव मार्किंग होगा लेकिन इसका सिलेबस क्या होता है और तैयारी कैसे करते हैं पहले ये जान लीजिए अगर आप पैटर्न देखोगे तो बेटा तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं इंग्लिश के यानी मैंने जितने भी एग्जाम्स के नाम लिए सब में अगर मैं कॉमनली कहूं तो बस यही है ऑब्जेक्टिव एग्जाम का सिलेबस जिसमें एरर डिटेक्शन आता है जो मेनली ग्रामर से होगा फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट मेनली ग्रामर से होगा फिलिंग ब्लैंक्स ग्रामर एंड वोकैबलरी मिक्स होते हैं इसमें सेंटेंस अरेंजमेंट जो आप लोग कई बार पी क्यू आर एस बोलते हो और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगा जिसमें पैसेजेस होंगे जिसको पढ़ के उनके बाद दिए गए आंसर्स आपको सही मार्क करने होंगे क्लोज टेस्ट होता है जिसमें एक पैसेज होगा जिसमें से पांच क्वेश्चन का पांच जो ब्लैंक होंगे वो दिए होंगे उसमें पांच क्वेश्चन बेस्ड होते हैं जिनके चार चार ऑप्शन दिए होते हैं तो कौन सा वर्ड हम सर्च करके उस पैसेज में डालें कि उसका मीनिंग सही निकले वो क्लोज टेस्ट में आता है सिमिलर मीनिंग के लिए सिनोनिम्स ऑपोजिट मीनिंग के लिए एंटोनिम्स और होमोनिम्स में दो चैप्टर इंक्लूडेड है होमोग्राफ एंड होमोफोन जो रिसेंटली एस एस सी ने अपने सिलेबस में एड किया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एडियम्स एंड फ्रेजेस ये दोनों भी वोकैबलरी का ही पोर्शन है स्पेलिंग मिस्टेक्स आते हैं और मैंने जो कोलोकेशन डाला है बेटा वो एस एस सी के सिलेबस में अलग से नहीं दिया हुआ है लेकिन इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने वर्ब में जो कोलोकेशन होता है नाउन से रिलेटेड जो कोलोकेशन होते हैं वो मैंने अलग से इंक्लूड करके मैं एक चैप्टर बना देती हूँ ताकि बच्चे गलतियां ना करें जब आप फिलिंग द ब्लैंक्स कर रहे हो या सेंटेंस इंप्रूवमेंट ही कर रहे हो तो लगभग सारे एग्जाम में यही सिलेबस जो पढ़ाया जाएगा और ये होता है ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम का यही सिलेबस होता है अब आइए अगर हम ग्रामर की बात करें बेटा तो ग्रामर में ये सारे चैप्टर्स है जो हम पढ़ते हैं और यह सारे चैप्टर्स इसलिए मैं अलग से लिख के दे देती हूं आपको क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं हम लोग यहां पे केडी कैंपस और केडी लाइफ में चैप्टर वाइज जब तैयारी करते हैं एक चैप्टर कंप्लीट होता है उससे रिलेटेड फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं तो ये आपके ग्रामर के सिलेबस है और याद रखिएगा कि कंप्लीट ग्रामर जो होता है ये हम पढ़ाते हैं प्लस इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन आते हैं जो सुपर फ्लोअर्स से आएंगे प्रोवर्ब से आते हैं लीगल टर्म्स से आते हैं इसमें भी कई बार आपको वर्ड या ग्रामर के भी मिस्टेक दे देते हैं तो वो भी हम साथ ही साथ कराते हैं तो जानिएगा ये आपका ग्रामर का सिलेबस जो तो हर एग्जाम में सेम होता है लेकिन एस एस क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का होता है इसीलिए इसमें हम लोग बॉटम से लेकर टॉप तक सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाते हैं और सारे चैप्टर्स बहुत डिटेल में कराते हैं अब आइए कि अगर आप कहोगे कि मैम इतने चैप्टर्स पढ़ेंगे तो मुझे ये बताओ कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं पहले आप अगर टी और की बात करोगे जहां पे मैंने कहा आपको 25 क्वेश्चन आते हैं तो कहां से क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले तो एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट से दो दो क्वेश्चन आते हैं यानी चार क्वेश्चन तो यही हो गया क्लोज टेस्ट में एक पैसेज आएगा और उसमें पांच ब्लैंक दिए रहेंगे तो पांच क्वेश्चन तो वहीं से हो गए दो ईडियम्स आएंगे दो फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे वोकैबुलरी सिनोनिम एंटोनिम दो एक ऐसे करके तीन या चार रहते हैं स अरेन्जमेंट रीडिंग से, तो <coughs> से बेस्ड है स्पेलिंग और एडियम वगैरह वो कैबलरी से बेस्ड है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी वो कैब से बेस्ड है तो कुल मिला के एक पूरा कंप्लीट आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा पच्चीस क्वेश्चन आते हैं बेटा और पचास मार्क्स के आते हैं तो आप अगर कहोगे मैम मेन्स में तो बेटा मेन्स की अगर हम बात करें तो आप सेम एक्टिव एंड पैसिव वो इस यहां भी देख रहे हैं आप सेम डिटेक्टिंग एरर यहां भी देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सिनोनिम पैरा जम्बर्स यानी सेंटेंस अरेंजमेंट वही डिटेक्टिंग एरर स्पॉटिंग द एरर यहां लिखा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट यहां पर भी ग्रामर के ही क्वेश्चन होते हैं देखो यहां आप ऐसे वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनमें भी ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं तो ये सारे आपको सेम चीज मिलेगा प्री में भी और मेंस में भी यानी एक बार अगर आप तैयारी करोगे तो प्री और मेंस दोनों के लिए तैयार हो जाओगे यानी अलग अलग सिलेबस नहीं है बहुत आसान यानी एक तैयारी से आप प्री मेंस पूरा निकाल के अपने कंधे में तीन सितारा ले सकते हो है ना आप इंस्पेक्टर बन सकते हो और बेटा देख लीजिए ये वही सेम जो मैंने आपको कहा किस तरह से लेकिन आपका रीडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से बारह क्वेश्चन से तो यानी पैंतालीस में से बारह क्वेश्चन तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के है यानी इंग्लिश का

टू का हमने बहुत बढ़िया से एक इवेल्युएशन किया और हमने देखा कि मेंस में वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट से तीन क्वेश्चन था ग्रामर के भी चैप्टर्स हमने निकाल लिए प्रोनाउन के दो क्वेश्चन टेंस से तीन क्वेश्चन था वर्ब से एक क्वेश्चन पैसिव वॉइस से दो क्वेश्चन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन यानी कि ये आ गया वो दो क्वेश्चन अगेन ग्रामर आगे बेटा एग्जेक्ट पांच क्वेश्चन स्पेलिंग से दो क्वेश्चन प्रपोजिशन ग्रामर है यानी कि दो क्वेश्चन से दो क्वेश्चन होमोनिम से एक क्वेश्चन जो प्रेपोजिशन का ही भाग है एक सेंटेंस कैसे सही फॉर्म होगा एक और सिनोनिम एक क्लोजेस्ट पांच थे क्योंकि मैंने कहा था एक पैसेज आता है जिसमें पांच ब्लैंक होते हैं और पैसेजेस देखो उनमें से बारह क्वेश्चन थे और फिर इनको भी मैंने बता दिया कि भाई जो क्लोज टेस्ट है पांच में से दो क्वेश्चन कोलोकेशन से थे में तीन तो टाइटल से थे हर पैसेज का टाइटल पूछा था और टोन ऑफ द पैसेज एक था यानी कि हमने बिल्कुल अच्छे से डिवीज़न बता दिया कि कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं यानी कि आपको बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर असेस करने का अब अगर आप कहोगे ठीक है हमें समझ में आ गया देखो बेटा कभी भी कोई भी परीक्षा की तैयारी की जाती है तो आपको सबसे पहले उसका असेसमेंट किया जाता है कि भाई हमें पढ़ना है तो क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है अब आते हैं कि अगर आपको तैयारी करनी है तो कैसे करोगे इंग्लिश में आपको कहीं किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म की किसी भी बुक की जरूरत नहीं है केडी पब्लिकेशन अपने नाम से जाना जाता है और हर टॉपर चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो इंटरव्यू दे रहा है तो वो जरूर कहेगा इंग्लिश में वॉल्यूम वन बाई नीतू सिंह इस बुक के अलावा वो किसी बुक का नाम नहीं लेता लेकिन याद रखिएगा कि वॉल्यूम वन पढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले अपना लेवल देख लो बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे या जो दूसरे बंगला हो या उड़िया हो या मराठी मीडियम के बच्चे उनका इंग्लिश बहुत ही खराब होता है उसका रीजन यह है कि उन्हें कभी भी शुरू से इंग्लिश में पढ़ाया नहीं गया और ना ही उन्हें कुछ बताया गया अचानक वो तैयारी करने आते हैं और वन पॉइंट मॉर्निंग उसे पता चलता है कि इंग्लिश पढ़नी है तो कैसे पढ़ोगे सबसे पहले अपने आप को चेक करो एक टेलीग्राम चैनल नोट करिए स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह में मैंने बहुत सारे स्टोरीज डाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज रामायण से महाभारत से जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो आप कह सकते हो लिटरेचर में इंग्लिश लिटरेचर में क्लासिक स्टोरीज होते हैं वो डाला है मैंने और बहुत ही बढ़िया मॉरल स्टोरीज भी डाले मैंने आप उनमें से कोई भी स्टोरी उठा के रीड करो अगर आपको लगता है कि रीड करने के बाद उसके कंप्लीट मीनिंग आपको समझ में आ रहा है तब तो ठीक है लेकिन अगर कहोगे मैम मुझे सेंटेंसेस का मीनिंग निकालने में ही मुश्किल हो रहा है क्या बोल रहा है वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा आपकी शुरुआत होनी चाहिए स्पोकन इंग्लिश से स्पोकन इंग्लिश में मैंने आपको दिनचर्या के इतने सेंटेंसेस दिए हैं और इतने बढ़िया से ग्रामर के रूल्स बताए हैं मैं दावा कर सकती हूं कि अगर इस बुक को कोई पढ़ ले तो शायद अपने 8 9 10 के जो इंग्लिश में ग्रामर है वो भी सॉल्व कर लेगा और बहुत अच्छा अपने स्कूल में भी करके आएगा यानी कि बेसिक जो स्कूल की इंग्लिश है जो आपको बोलना सिखाता है वो पूरा कंप्लीट इस बुक में अगर आप कहोगे कि नहीं मैम मुझे तो समझ में आता है मैं इंग्लिश मीडियम का हूं मुझे कोई इश्यू नहीं होता तो आप आ जाइए वॉल्यूम वन में अगेन मैं यहां पे बता दूं आपको अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आप वॉल्यूम वन हिंदी मीडियम का लीजिए इंग्लिश मीडियम के हो तो वॉल्यूम वन इंग्लिश मीडियम का लीजिए क्योंकि हमने दोनों मीडियम में सेम क्वालिटी सेम कॉन्टेंट्स यहां तक की सेम एग्जाम्पल्स दिया है ताकि कहीं से भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे या इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं लगे कि हिंदी मीडियम में तो कुछ और है या इंग्लिश मीडियम में कुछ और है सेम एग्जांपल सेम कॉन्टेंट सब कुछ और ये बुक मैं कह सकती हूँ रामवान है क्योंकि ये बुक ऐसा है जिसका हर बच्चा नाम लेता है और कोई भी टॉपर हो आप उसका इंटरव्यू कहीं भी देख लीजिए वो वॉल्यूम वन बाय नीतू सिंह से शुरुआत किया ये जरूर कहेगा अब कहोगे कि मैम हमें कैसे करना है क्वेश्चन बेटा वॉल्यूम वन में मैंने पूरा चैप्टर खत्म कराने के बाद साठ सत्तर क्वेश्चन उसी चैप्टर से दिया हुआ है लेकिन अगर आप एक, एक टॉपिक और एक एक कॉन्सेप्ट पर कहोगे कि मैम मुझे कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद तुरंत उसके बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तब आप आओगे क्लास नोट्स में क्लास नोट्स सवा पांच सौ पेजेस के बुक है और इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रामर है वॉल्यूम वन में तो ग्रामर वोकैबलरी और सेंटेंस जो से फिलिंग द ब्लैंक्स है सेंटेंस इंप्रूवमेंट वो सब है लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रामर है क्योंकि हर कॉन्सेप्ट के बाद मैंने जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स के वो लगा दिया है तो इसीलिए ये बुक ग्रामर के लिए मैं कह सकती हूँ आपके लिए क्या कोई अगर टीचर बनना चाह रहा उसके लिए भी बहुत अच्छी किताब है वो की किताब ऐसी है जो आपको लाजवाब वो क्या बना देगा और वो कैबलरी आपका बहुत बढ़िया बना देगा याद रखिएगा वो कैबलरी में पंद्रह हजार प्लस वो कैबलरी है जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड है तो ये बहुत बढ़िया किताब है आपके लिए अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो स्पेशली एस की तो आइए अब आप प्रैक्टिस कहां से करोगे पैसेजेस क्लोज टेस्ट सेंटेंस अरेंजमेंट का तो ये बुक में आपको एडिशनल ग्रामर के भी प्रैक्टिस के असाइनमेंट मिलेंगे प्लस पैसेज क्लोज टेस्ट सेंटेंस अरेंजमेंट सब कुछ मिलेगा और जब सब तैयारी हो गया तो फाइनल टच देने के लिए 2016 से आज तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स इसमें हैं प्लस गोल्डन रूल्स इसमें हैं जहां से क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं एक तरह से देखा जाए तो राइट फ्रॉम बिगनिंग अप टू एंड ये आपको एक ही जगह पे यानी केब्लिकेशन डॉट कॉम में मिल जाएगा अगर आप फ्लिपकार्ट से लोगे तो आप डेकोमार्ट में जाओगे क्योंकि यही दो जगह है जहां पे हमारे ऑथेंटिक बुक्स बिक रहे हैं क्योंकि आपको पता है जिसका डिमांड ज्यादा होता है उसका फर्जीवाड़ा भी बहुत होता है इसीलिए आप याद रखिएगा एकदम लेटेस्ट एंड अपडेटेड कॉन्टेंट्स खरीदना है तो केडी पब्लिकेशन और डेकोमार्ट से एनी वे अब मैं आती हूं कि आगे क्या करना है आपको सबसे पहले बेटा किताबें होनी चाहिए आपके पास क्योंकि किताबों से आप जब पढ़ोगे तो आपको वाकिफ होगा कि भाई आसान है बहुत आसान है मैं कर सकता हूं ये फीलिंग आएगी लेकिन अगर आपको कहीं पर एकदम प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आप मुखर्जी नगर दिल्ली दिल आ दिल सकते हो मेरे पास हमारे और भी सेंटर्स से, हैं लेकिन याद रखिएगा अगर आप घर ही बैठ के पढ़ना चाहते हो तो केडी लाइव मौजूद है जिसमें मैं भी क्लास लेती हूं तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों कोचिंग ले सकते हो याद रखिए अगर आप बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट में फंस रहे हो तो आपके लिए ये बुक बहुत अच्छा है और अगर आपको यह बुक समझना है अच्छी तरह से एक एक चैप्टर हमसे पढ़ना है तो मैं ये बुक पूरा कंप्लीट बुक मैं पढ़ा चुकी हूं इसका आपको जो रिकॉर्डेड बैच है वो मिल जाएगा अभी कुछ लाइव बैच भी चल रहे हैं आते हैं कि अगर आपको ग्रामर का इंप्रूवमेंट करना है तो बेटा ध्यान रखिएगा ग्रामर के लिए मैंने बता दिया वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू और क्लास नोट्स ये तीन हैं ग्रामर के लिए राइट अब आते हैं कि रीडिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव करें बेटा अगर आप बिगनर हो एंजॉयबल रीडिंग करना चाहते हो कि हाँ कुछ मजेदार कुछ कहानी हो कुछ मॉरल स्टोरीज भी मिल जाए कि ठीक है राम जी का डेथ कैसे हुआ है ना फिर कृष्ण जी ने क्या क्या किया था तो वो सब चीजें आपको जो एक स्टोरी होता है ना जो आप देख के बहुत एंजॉय करते थे महाभारत रामायण में शिव पुराण में वो सारे स्टोरीज मैंने इसमें इंक्लूड किया है तो एंजॉयबल रीडिंग के लिए आप स्पोकन इंग्लिश बाय नीतो सिंह टेलीग्राम चैनल में चले जाना आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियां मिलेंगी लेकिन अगर आप जब एक लेवल के बाद मैं ये कहूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाइए किसका उठाओगे चलो स्टेनो का उठा लो आपकी मर्जी सीपीयू uh, का उठा लो सीजीएल का उठा लो सब में आपको अगर आप टीयर टू के पेपर में जाओगे तो सीपीओ में या एसएससी सीजीएल के पहले के पेपर में आपको दो दो सौ क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको छह सात पैसेजेस मिल जाएगा तीन <coughs> चार आपको क्लोज टेस्ट मिल जाएगा बीस बीस सेंटेंस अरेंजमेंट मिल जाएंगे एक टेस्ट पेपर उठाओ रोज सॉल्व कर लो खाली यही सेक्शंस तो आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए इसीलिए मैं हमेशा मानती हूं कि फर्स्ट टू मंथ्स आप इंजॉयल रीडिंग करिए और उसके बाद आप जाइए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में और वहां से क्वेश्चन पेपर से आप यानी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सेंटेंस अरेंजमेंट और क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करिए यह बहुत जरूरी है क्योंकि इसका एक मेजर पोर्शन है जो आता है हर एग्जाम में अगर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी आप बनाओगे ना हाँ मुझे सबसे पहले सिलेबस देखना है उसके बाद एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा ये सिलेबस है फिर उससे रिलेटेड अच्छे पब्लिकेशन के बुक्स लेने फिर एक बार सेट हो गया कि हाँ बुक्स ले लिया थोड़ा पढ़ लिया समझ में आ रहा है कि हाँ कैसे तैयारी करनी है तो किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन एक हमने कोर्स ले लिया उसके बाद फिर हमने मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया बेटा ये सब स्ट्रैटेजी है कि बिगनिंग कैसे करेंगे पहले हम सिलेबस से अवगत होंगे फिर किसी टीचर का हेल्प लेंगे और फिर मॉक टेस्ट लगाएंगे इस से से इसी पैटर्न हर सफल बच्चा गुजरता है तो एक प्रॉपर बनाइए और याद रखिएगा अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी आप सिर्फ इंग्लिश का पूछ रहे हो तो मैं कहूंगी आप जैसे तीन से चार घंटा इंग्लिश को दीजिए एक घंटा सुबह उठ के वो कैप रट्टा मारिए बेटा वो कैप रटोगे तो भूलोगे और सब लोग भूलता है अगर कई बच्चे कहते हैं कि मैम याद करते हैं फिर भूल जाते हैं इसलिए याद करना छोड़ देते हैं बिल्कुल डीमोटिवेटेड हो जाते हैं आप याद करिए आपका बस इतना ही काम है एट द बैक ऑफ योर माइंड सेव होता जाता है आपको पता नहीं चलेगा लेकिन जब आप आप ऑप्शंस देखोगे तो आप सही ऑप्शन को ही टिक करोगे तो एक घंटा वो कैबलरी एक से डेढ़ घंटा ग्रामर पढ़िए और एक घंटा रीडिंग के लिए जरूर रखो बहुत सारे बच्चे रीडिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है भाई रीडिंग किए तो हमें तो कोई टिकमाक ही नहीं कर पा रहे कि कौन सा चैप्टर खत्म हुआ है आपको नहीं पता रीडिंग 50% परसेंट ऑफ द वेटेज होता है तो इसलिए रीडिंग तो आप जरूर करिए और अच्छे से रीडिंग को मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करिए ठीक है अगर आपको रूट से वो कैप करना है कुछ फनी जो पीपीटी होते हैं उनसे वो कैप करना है फनी विजुअल्स देखना है जैसे वो कैबले दिमाग में छप जाए तो इंग्लिश बाय नीतू मैम करके एक यूट्यूब चैनल है और केड़ी लाइव यूट्यूब चैनल है इन दोनों को सब्सक्राइब कर लो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे अच्छे बहुत अच्छे क्लासेस लेके आती हूँ बहुत अच्छा विजुअल वो कैब लेके आती हूँ रूट से वो कैब कराती हूँ और बहुत ही फनी वे में आपको तैयारी करा के छोड़ देती हूं तो इसीलिए आप ये दोनों चैनल को जरूर वॉच करिएगा आइए प्रैक्टिस कैसे करें टेस्ट

अल्टीमेटली एक चीज याद रखिएगा बेटा कि आप जो रेगुलर प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट है ना आपको एक ही यही तो एहसास दिलाएगा कि हां अब हम सिलेक्शन के बिल्कुल दरवाजे पर हैं या हम सिलेक्शन से कितने दूर हैं इसीलिए मॉक टेस्ट रेगुलर देते रहिए और जब आप कुछ क्वेश्चंस में फंसते हो तो फिर उनको इवेल्यूएट करके देखो कि मैं कहा लैक कर रहा हूं रीडिंग में मुझे प्रॉब्लम है मुझे वुकैप में प्रॉब्लम है कि मुझे ग्रामर के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है और जहां पर आप ज्यादा मार्क्स लूज कर रहे हो फिर वहीं पर आपको मेहनत करना है इसीलिए मॉक टेस्ट और रेगुलर प्रैक्टिस तो बहुत बहुत एसेंशियल है लेकिन जब आप तैयारी कर रहे हो और अभी शुरुआत ही किए हो तो चैप्टर वाइज आप प्रिपेयर करिएगा और प्रैक्टिस जो करना है आपको शुरुआत में वो टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट का ही रखिएगा बाद में जो आपका एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए तो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है चाहे वो एम का हो जी का हो स्टेनोग्राफर का है सीपीओ का है सी का है मैं, मैं आप कहोगे मैम आप सीजीएल की बात कर रहे हो बेटा एस के पास कोई अलग से क्वेश्चन बैंक नहीं है अलग अलग एग्जाम्स के लिए वो सेम पैटर्न और सेम तरह के लेवल के क्वेश्चन पेपर सभी एग्जाम्स में देते हैं वो चाहे वो लेवल हो, हो, या सी एच एस एल हो या ग्रेजुएशन लेवल का सीपीओ और सीजीएल इसीलिए आपको एक ही पैटर्न पे पूरी तैयारी अब सबसे लास्ट में आप रिवाइज करिए और रिविजन इज द की टू सक्सेस रिविजन सबसे इंपॉर्टेंट है और ये रिविजन जब आप करिएगा तो आपको पता है ना कि आपको पूरा पूरा सिलेबस एक बार देखना होगा इसमें आपको वॉल्यूम वन बहुत हेल्प करेगा बहुत ही आसान तरीके से वो आपको रिविजन कराता है बहुत ही आसान तरीके से आपको ये हर जगह पे रूल्स के नाम पे पॉइंट वाइज दिया हुआ है सारा का सारा कंप्लीट हालांकि मैं क्लास पे पढ़ाती बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली लेकिन वॉल्यूम वन आपको पॉइंट वाइज और रूल नंबर वाइज करके इतना शॉर्ट में सब कुछ सिखाया हुआ है कि रिविजन के लिए वॉल्यूम वन आपको बहुत हेल्प करता है तो याद रखिएगा कि जब आप तैयारी कर लो आप हो अपने स्कूल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं करते थे स्कूल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप कंसिस्टेंट है रेगुलरली आप तैयारी कर रहे हो आठ से दस घंटे अपनी तैयारी को दे रहे हो तो आप सक्सेसफुल हो गए और ये मेरी गारंटी है चलिए ऑल द बेस्ट तैयारी शुरू करिए कैंपस और केड़ी लाइव और केड़ी पब्लिकेशन आपके साथ है थैंक यू